हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में आज खास क्या है, आइए आपको बताता हूं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सेल पे आते हैं। तो ये एक्सेल ओपन है और एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यहां पर ऑप्शन मिलता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। और यहां पर मिल जाता है कलर स्केल। तो क्या कोई कलर स्केल गूगल शीट में भी मिलता है, और अगर मिलता है तो उसका एक यूज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, गूगल शीट में चलते हैं और कलर स्केल देखते हैं। तो यहां पर आप जाते हैं तो कहां पर कलर स्केल मिलेगा, ये पहला सवाल होता है। तो कलर स्केल आपको फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा। फॉर्मेट टैब में नीचे आते हैं तो यहां पर मिलता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देख सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, कुछ हिस्सा कुछ एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूं। पहले ही इतना एरिया मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो मैं यूज करने वाला हूं इसका क्या मतलब होगा, इसको यूज करने से क्या फायदा होगा। कलर स्केल यूज करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहां से फॉर्मेट टैब पे आते हैं और यहां पर मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक कर दीजिए इस पे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है कलर स्केल। पहला ऑप्शन है सिंगल कलर, दूसरा ऑप्शन है कलर स्केल। तो क्लिक कर दीजिए कलर स्केल पे। यहां पर डिफॉल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, अभी डिफॉल्ट दिख रहा है। ये लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू, देख सकते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, नंबर कर देता हूं, ये नंबर कर दिया। इसका कलर भी आप चाहे तो अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर येलो कलर मैंने कर देता हूं तो यहां पे येलो आएगा। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में भी हम क्या रख लेते हैं, नंबर रख लेते हैं। और नंबर रख करके मिड पॉइंट में यहां पर कलर दूसरा चूज कर लेंगे। लाइक कलर यहां पर चूज कर रहा हूं मैं रेड, तो यहां पर यह रेड कलर चूज कर लिया मैंने। और ये है मैक्स पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहां पर भी मैं नंबर चूज कर लेता हूं और यहां पर मैं क्या करता हूं, ग्रीन कलर चूज कर लेता हूं और यहां से ओके कर देता हूं, ठीक है। अभी हमें यहां पर वैल्यूज फिट करनी होंगी। यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्लीज एंटर वैल्यू, ठीक है। तो ये मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम पॉइंट मैं रख देता हूं जीरो, जीरो रख दिया। अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट 50 रख दिया और मैक्सिमम पॉइंट 100 रख दिया। या तो ये रेंज जो है इसको मैं एक बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये रेंज यहीं तक है। तो अभी आपको ये पता लगेगा कि इसी रेंज में हमें एंटर करना है, ठीक है। अब इस रेंज में चलते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके रेडी, चलिए आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं जीरो, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा मैंने, जीरो। अब देखिएगा जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहां कौन सा कलर आ जाता है। तो ये देखिए यहां पर आ रहा है येलो कलर, आपको याद होगा हमने यहां पर येलो कलर ही लगाया था। अगर मैं 17 एंटर करता हूं तो भी कौन सा कलर आएगा, अब देखिए 17 एंटर किया तो येलो से थोड़ा सा ज्यादा डार्किश येलो आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मैं एंटर करता हूं 49, अब ध्यान दीजिएगा 59 एंटर किया, 49 एंटर किया तो यहां पर 49 पर रेड कलर आ गया, ठीक है। हमने जो कंडीशन लगाई उसी हिसाब से सारी चीजें होती चली जा रही हैं। यहां पे देखिए डार्किश रेड आ रहा है, एकदम डार्क रेड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 70 एंटर कर देता हूं तो ये कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब कि रेड के ही क्रम में आगे ये बढ़ता चला जाएगा, रेड से चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ाते जाएंगे ये चेंज होता जाएगा। अब ये यही की बात नहीं है, ये यहां पर भी आप टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर टाइप कर दिया 100, तो यहां पर जैसे ही 100 टाइप करते हैं तो यहां पर ग्रीन आता है। अगर 99 टाइप करेंगे तो ये ग्रीन के नजदीक है, नियरेस्ट है, तो ग्रीन जैसा ही कलर आपको दिखेगा, उसी से मिलता जुलता। यहां पे 98 टाइप करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए वही सेम कलर। यहां पे 97 टाइप करेंगे तब क्या होगा, देखिए सेम कलर, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कर देता हूं 92, तो 92 किया तो अभी देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हुआ। यहां पर थोड़ा सा आपको चेंजिंग दिखाई पड़ेगी इन सब कलर से, ये कलर किस तरीके का है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 85 कर देता हूं तो क्या होगा, तो देखिए 85 थोड़ा सा और चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां मैं अगर 79 कर देता हूं तो आप देखिए अब ये कलर बदलता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये कलर बदलता जाएगा। 75 किया तो देखिए 75 में और चेंजिंग आ गई। अगर मैं 72 कर देता हूं तो ये देखिए और चेंजिंग आ गई। तो ये चेंजिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 70 कर दिया तो देखिए 70 में थोड़ी सी चेंजिंग और आई है। ये आपको क्लियरली एकदम से पता नहीं लगेगा जब इसके आसपास रहेंगे तो, क्योंकि बहुत ही कम जो है डिफरेंस रहता है, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे ये डिफरेंस आपको दिखता जाएगा। 65 किया तो देखिए अब 65 कुछ ये कलर आ रहा है, देख रहे हैं। तो आप इस रेंज में कहीं भी टाइप कीजिएगा
तो ये कलर स्केल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 58 टाइप कर देता हूं तो देखिए ये रेड से मिलता जुलता कलर है, लेकिन ये वाला रेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा 49 पे जो आपको रेड देखने को मिला था ये वो वाला रेड नहीं है, 50 में एकदम करेक्ट रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट रेड है। तो हमने जिस हिसाब से सेटिंग की थी उसी हिसाब से ये चीजें आती चली जा रही है। 60 किया तो ये देखिए 60 में ये आ गया, 55 किया या यहाँ पर 55 करते हैं, ये देखिए ये 55 किया, देखिए ये कौन सा कलर आ गया यहाँ पर इस तरीके से आया। 57 करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इससे चेंजिंग होगी। 59 करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा और चेंजिंग हो जाएगी। तो ये देखिए चेंजिंग होती चली जा रही है। उम्मीद करता हूं ये कलर स्केल क्या होता है गूगल शीट में ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आप काम कर सकते हैं अगर आप कलर स्केल का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसमें इस तरह की सेटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने 100 के बीच के तो नंबर एंटर किए, 100 तक नंबर एंटर करिए, यहां पर मैंने 700 रखा तो भी देखिए यहां पर कलर ग्रीन आ रहा है, देख सकते हैं। अगर इस रेंज से बाहर जाएंगे, देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 700, तो 700 लास्ट क्या रखा है हमने, 100 तक रखा है, तो यहां 700 भी रखेंगे तो भी कलर ग्रीन ही आएगा। यहां पे 1000 अगर रख देता हूं तब क्या होगा, तो भी कलर ग्रीन आएगा। देखिए ठीक है, अगर मैं यहां पे 10000 रख देता हूं तब क्या होगा, 10000 में भी कलर ग्रीन आएगा। देखिए सेम कलर आएगा यही वाला। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।